हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कंप्यूटर से टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आया हूं। ये पार्ट टू है, पार्ट वन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं इसके आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, किसके? सीपीयू। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर टू है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है सारे। प्रश्न नंबर तीन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। ऑप्शन चार आप लोगों के सामने है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आउटपुट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर चार है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए जल्दी जल्दी। राइट ऑप्शन होगा बी, सीपीयू द्वारा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रश्न नंबर पाँच है कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस या इनपुट? तो प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर है बी, प्रोसेस। प्रश्न नंबर छः है मित्रों कि सीपीयू का मुख्य घटक है कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो प्रश्न नंबर सिक्स का राइट आंसर है ये सभी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर सात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर है बी, कृत्रिम। चलिए प्रश्न नंबर नौ कह रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कितनी होती है? तो नौ का राइट आंसर है ए, सामान्य होती है। चलिए प्रश्न नंबर दस है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दस का राइट आंसर है बी, मानव मन। प्रश्न नंबर ग्यारह है कि ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है? तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है सी, एकत्रित डेटा को। प्रश्न नंबर 13 है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न नंबर 14 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है सी, सीपीयू द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है बी, इनपुट कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न नंबर 17 है कि एटीएम क्या होता है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। प्रश्न नंबर 18 है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो 18 का राइट आंसर है बी, डेटा। प्रश्न नंबर 19 है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, कंप्यूटर, केस या प्रोसेसर? तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है सी, प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 20 है प्रथम गणना यंत्र है क्या है? तो 20 का राइट आंसर है सी, अबेकस।
प्रश्न नंबर 21 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो 21 का राइट आंसर है सी, खेल के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो 22 का राइट आंसर है बी, ब्लेज पास्कल ने। प्रश्न नंबर 23 है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो 23 का राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज ने। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो 25 का राइट आंसर है ए, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 26 है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, क्या है? तो 26 का राइट आंसर है ए, डिजिटल कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 27 है कि क्रे क्या है, सी आर ए वाई क्या है? तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 28 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है सी, तृतीय पीढ़ी। प्रश्न नंबर 29 है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 80 में या 76 या 95 में? तो 29 का राइट आंसर है सी, 1976 में। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो 30 का राइट आंसर है बी, सिद्धार्थ। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर से टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के बारे में विधिवत जानकारी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।